नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को आज सुबह बुधवार की सुबह 10 बजे शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने गार्ड सलामी पेश की, जिसके बाद में उन्हें संभल दरियासर के कब्रिस्तान में दफनाया गया। सांसद के जनाजे में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। करीब 2 किलोमीटर तक लाइन लगी रही। डॉक्टर बर्क को अंतिम विदाई देने के लिए सपा के कई विधायक, कई सांसद के अलावा बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आजाद समाज पार्टी, AIMIM इत्यादि इन सभी पार्टियों के नेताओं ने सांसद के जनाजे में शिरकत की। कल मुरादाबाद के अस्पताल में डॉक्टर बर्क का निधन हुआ था। सपा ने उन्हें संभल से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग सबसे अधिक उम्र के सांसद भी थे। उनकी मौत से संभल में ही नहीं बल्कि देश विदेश में उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। संभल में लोगों ने अपने चहेते सांसद के गम में अपने दुकान भी प्रतिष्ठान बंद रखे। आपको बता दें कि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग 5 बार सांसद रह चुके थे, 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग के सबसे ईमानदार, नेक दिल इंसान होने के कारण ही उनके अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ उमड़ी और सभी की आंखें नम दिखाई दी। आज उनके विदाई समारोह में उन्हें चाहने वाले और उन्हें ना चाहने वाले हर किसी ने उन्हें अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि दी। Thank you.
भैया मोबाइल फोन कुछ करवा दो। हाँ तो हरो अब जी आराम से
जाए नहीं जाता
एप्पल क्या है?